हाँ बाबू सर, आप जो लिखे हैं ना मोशन ऑफ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोशन ऑफ बाबू, मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बाबू बॉडी। अच्छा सर, अप्लाइड ऑन इट। ठीक है सर, लिख लिया सर। ठीक है बाबू, डायग्राम बनाए बाबू। शिवम, शिवम नहीं आया? शिवम नहीं आया? चलो ठीक है। एक चौरसिया जी फोन, एक सतीश नहीं आया, दो गो एगो और कौन है बाबू? अभी न प्रकाश, दो तीन दिन से नहीं आ रहा अभिनय प्रकाश, पता नहीं तबियत खराब है क्या नहीं उसका। तो बाबू क्या होता है, जैसे हम इस ब्लॉक को बाबू मोशन लाना चाहते हैं, मोशन लाना, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू। मान लो यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? अब ये बाबू ये क्या रजिस्टर है ना, अब हम चाह रहे हैं सर, चाह रहे हैं सर इसको थोड़ा सा मोशन ला, तो मोशन लाएंगे वो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा। अब ढकेलना पड़ेगा वो, तो इसी ढकेलना ढकेलने को हम लोग क्या कहेंगे? वो फोर्स कहेंगे। इसी ढकेलने को हम लोग क्या कहेंगे? वो फोर्स कहेंगे। इसी ढकेलने को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स के टर्म में फिजिक्स में क्या करेंगे? वो फोर्स नाम देंगे, है ना? जैसे कोई आप टॉय देखते ना, टॉय देखना बच्चे का, तो वो क्या करता है, उसको टॉय से खेलता है, तो उसको कहेगा हम इसको पुश कर रहे हैं, तो वही पुश करते, मतलब क्या लगा रहा है वो? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है वो? फोर्स लगा रहा। मतलब बाबू, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको मोशन देना, किसी में ऑब्जेक्ट में बाबू अगर आपको मोशन देना, तो वहां पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करने पड़ा। फिजिक्स में क्या है उसको कहेंगे? वो फोर्स अप्लाई करेंगे। आप लोग इसे लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज में क्या करो, पुश कर दिए, ढकेल दिए, तो वही जो ढकेल रहे हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं ना। अब आप लोग बड़े हो गए ना, बच्चा की तरह कितना पढ़ोगे, तो यही बाबू क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में इसको क्या होगा बाबू? ढकेल दिए, तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे बाबू? जो बाबू अपने फिंगर से इसको पुश कर रहे हैं, तो इसी जो पुश करने की जो टेंडेंसी है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? शैतान, फोर्स कहेंगे। अब फोर्स लगा दे बाबू, तो क्या होगा? बॉडी क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा बाबू, है ना? ये बॉडी क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा, है ना? और ये इधर आगे बढ़ गया, ठीक है सर। और तो इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, लेकिन अपोजिट में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तब ना बाबू थोड़ा दूर जाके क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों रुकता? कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू आगे मोशन करने के बाद, थोड़ा देर चलने के बाद क्यों रुक जाता? क्योंकि बाबू अपोजिट में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता, फ्रिक्शन लगता। समझ में आता है शिवांगी? यस सर। हाँ बाबू, ठीक है। तो ये क्या होगा? इधर पुश करेंगे तो वो रुकता है फ्रिक्शन के कारण। हाँ, फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा, है ना बाबू? पूरी फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा। तो पुश करें या बाबू आपको क्या करना बाबू? गेट को लॉक करना बाबू, गेट को ओपन करना, तो क्या करोगे? पुश करोगे, ढकेलोगे, तो गेट क्या होगा? खुल जाएगा। और गेट को लॉक करना, तो गेट को क्या करोगे? पुल करोगे, अपनी ओर खींचोगे, है ना? अपनी ओर खींचोगे, तो उसको क्या कहेंगे? पुल कहेंगे बाबू। तो वही बाबू, पुश एंड पुल बाबू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स, है ना? पुश एंड पुल, जो खींचने और ढकेलने की जो फेनोमेनन है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या सेकंड में क्या बाबू, या डिफिनेशन क्या? फोर्स इज बाबू एक्सटर्नल एजेंट, या एक्सटर्नल एजेंट बाबू, या काउज ऑफ बाबू कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाबू, है ना? जैसे कोई, ठीक है बाबू, फोर्स क्या हम लोग बाबू एक्सटर्नल एजेंट है ना, मान लो ये बॉडी है, तो बाहर से कोई बाबू अब इस पे बल लगा रहा, फोर्स कर रहा है ना बाबू, तो क्या करा? या तो इसमें बाबू मोशन आएगा, यहाँ पे क्या हुआ? मोशन आएगा। या कोई चलता हुआ चीज है, जैसे आपका फ्रेंड बाबू साइकिलिंग कर रहा है ना, क्या कर रहा है? शैतान शांति सुनो, उधर से साइकिलिंग करते आ रहा, तो उसको रोकना चाहते हो, तो क्या करो बाबू? उसको एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या लगा हुआ? रोकोगे, है ना? रुकोगे, ठीक है बाबू? तो उसी को हम लोग पुश एंड पुल फिनोमेनन बाबू क्या है? क्या बाबू? फोर्स है ना? या बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो उसको मोशन में लाना, तो उस पर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। या कोई भी बाबू अगर मोशन में, जैसे ये बॉल है, ये मोशन करते हुए इधर इधर जा रहा, इधर जा रहा, ये बॉल का मोशन करते हुए करते 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 इधर जा रहा, अब इसको हम रोकना चाहते हैं, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा? या तो रेस्ट है तो मोशन में आ जाएगा, और मोशन है बाबू तो क्या होगा? रेस्ट आ जाएगा, है ना? रेस्ट आ जाएगा। तो जब रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा? मोशन में आ जाएगा, और बाबू मोशन में रहेगा तो क्या होगा? रेस्ट हो जाएगा। तो वही जो बाबू आप जो ये लगाओगे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, जो बाबू लगाओगे, उसी एक्सटर्नल एजेंट का नाम क्या बाबू? फोर्स है, फोर्स है, ठीक है ना? ज्यादा इसमें बाबू इतना ही करना, ठीक है ना? बाकी इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो फोर्स बाबू ये मेरा क्या होता है बाबू? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फोर्स को बाबू, जैसे करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसी को फोर्स को बाबू कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, फोर्स इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय बाबू क्या सर? कैपिटल एफ, कैपिटल एफ बाबू। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें बाबू? कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से, ठीक है? ठीक है। अब फोर्स में बाबू क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना बाबू, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं सर, कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं सर, कि नीचे से फोर्स लगा रहे हैं सर, कि ऊपर से लगा रहे हैं ना बाबू, है ना? किधर से लगा रहे हैं? नीचे से, मान लो इसको ऐसे करके फोर्स लगा, ऊपर ठेल दिया, तो क्या होगा? मोशन ऊपर चल गया।
तो फोर्स बाबू क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन बाबू। फोर्स में क्या होता है? डायरेक्शन होते हैं, है ना बाबू? फोर्स है बाबू, फोर्स है बाबू, डायरेक्शन। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, फोर्स के बारे में जानना चाहिए। तो जैसे डायरेक्शन होगा बाबू तो वो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये वाला आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि जब वेक्टर बताएंगे बाबू तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बाबू फोर्स हैज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर वाला जब कंसेप्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर क्या होता है बाबू बताइए तो शिवानी, शिवानी बताओ तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? पढ़िए बाबू शिवानी, अब बताओ शिवान, ये तो बोल भी नहीं करती है। सर वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े ही। अरे बाबू फिजिकल वेक्टर दो क्वांटिटी होता है, वेक्टर होते हैं स्केलर होते हैं, बताएंगे डिस्कस करेंगे। इसको अभी फिलहाल लिख कर लो बाबू, इसको स्टार दे दो। सर मैं बताऊं? बताइए। सर वेक्टर एक वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ बाबू, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है बाबू, एसआई यूनिट जो फोर्स होता है बाबू, जैसे मान लो मास है, जैसे एम्पियर है तो एसआई यूनिट क्या, बल करंट है तो एसआई यूनिट क्या, एम्पियर है ना। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है बाबू न्यूटन होता है। क्या होता है? सता न्यूटन होता, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था बाबू। तो फोर्स का जो कंसेप्ट लाया बाबू न्यूटन ने ही लाया, न्यूटन ने ही लाया, तो अपने ही नाम पे उसका यूनिट क्या हो गया बाबू, एसआई यूनिट फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया। लिखे बाबू शिवम, इसका वैल्यू को डिनोट करते हैं जैसे 5 है तो 5 एंड 6 एंड ऐसे। हां ऐसे बाबू, ठीक है शिवम, समझ में आ रहा बाबू? हमको तो आप ही का टेंशन होता शिवम। यस सही सही बोले, आता समझ में कि नहीं आता? नहीं आता तो फिर बाबू हम अपना सिस्टम चेंज करेंगे ना। ऐसे मैम बोलिए ना बाबू, आता है सर, आता है। चलो ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? तो न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर होता है तो एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते ना बाबू। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। हाँ कैसे करेंगे? कैपिटल एन। हाँ बाबू कैपिटल एन से, ऐसा यूनिट फोर्स का क्या हुआ? न्यूटन हुआ। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से बाबू, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं बाबू, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। बाकी इसके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज, इसका बाबू एक चैप्टर है फोर्स का बाबू, एक चैप्टर है, उसमें बाबू पूरे डिटेल से पढ़ेंगे क्या था न्यूटन, कैसे दिया बाबू, कौन सा न्यूटन का फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, है ना बाबू, सब ला पढ़ेंगे। ये तो अभी थोड़ा ओवरव्यू बता रहे हैं कि आपको फ्रिक्शन में क्या लगा, थोड़ा सा टर्म आ गया फोर्स, इसीलिए थोड़ा सा इतना बता दिए। नेक्स्ट बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, किसके लिए इट इज बाबू? इट इज इसके लिए, न्यूटन के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, रिप्रेजेंटेड बाय बाबू कैपिटल एन, ठीक है। ये इतना बेसिक कंसेप्ट था बाबू फोर्स का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन पढ़ा हुआ, तो फ्रिक्शन के टॉपिक पे आएंगे। सर अब तो इसमें फ्रिक्शन को कैसे कम करें और ज्यादा करें, सब आएगा, सब आएगा। पहले बाबू नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शन समझ में आ गया क्या होता है? सर मोशन को बाबू अपोजिशन में लगेगा, मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। हम बढ़ना चाह रहे हैं सर सरफेस पे बाबू, हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको कहेगा आप नहीं बढ़ो, नहीं बढ़ो, है ना सर। हाँ बाबू बोलिए बोलिए शिवम, आसाने या धकेलना, क्या बाबू क्या बोल रहे हो सर? खींचना आसान है या धकेल? देखो बाबू वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं बाबू। मान लो बाबू, एक मान लो बहुत बड़ा बाबू 50 kg का ब्लॉक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है बाबू कि खींचना आसान है कि ढकेलना आसान है। ये मान लो 50 kg का बॉक्स है बाबू, आपके पास ट्रंक होगा ना बाबू, मम्मी के पास आपके पास ट्रंक होगा, ये हर एक घर में रहता ही है ना बाबू, जिसमें कपड़े रहते हैं। तो उसको बाबू मान लो 50 kg बाद, तो इसको बाबू ढकेलना भी बाबू, इसको पुश करना है, ढकेलो बाबू आपसे नहीं ढकलाएगा, 50 kg बाद 100 kg पुश करना भी बाबू क्या डिफिकल्ट है ना। लेकिन बाबू यही मान लो 5 kg का ब्लॉक है,
मान लो बाबू एक कुकर ले लो या छोटा 5 kg का ले लो, तो इस केस में क्या होगा, ढकेलना खींचना दोनों आसान है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता बाबू, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना बाबू, सिचुएशन पे डिपेंड करता कि कैसे आप कौन से सिचुएशन में हो, है ना बाबू। कभी मान लो 50 kg का है बाबू, 50 kg का ब्लॉक है, तो इसको बाबू इसको अगर पुश कर रहे हो तो क्या नहीं ढकलाएगा। लेकिन यही बाबू मान लो 5 kg का अगर हो जाए, खाली ट्रंक हो जाए तो उसको ढेर ढकेलोगे तो क्या होगा, ढकला जाएगा। तो यहाँ पर वो ढकेलना क्या हो गया, टफ हो गया। लेकिन इसी ट्रंक को खाली कर दो तो यहाँ ढकेलना क्या हो गया, आसान हो गया। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आप किस बॉडी को ढकेल रहे हो, किस बॉडी को पुश कर रहे हो, है ना बाबू, किस बॉडी को ढकेल रहे हो, किस बॉडी को पुश कर रहे हो। समझ में आता है बाबू शिवम? यस। चलो अच्छी बात है। अब बाबू देखो खींचना ढकेलने की बात है बाबू, तो अगर आप बाबू देखो ये बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी, आप शांति से सुनो, ये बाबू इसको ऐसे बाबू अगर पुश करोगे तो क्या होगा बाबू, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा। मान लो इस हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन पे, तो इसको ढकेलना, इसको पुश कर रहे हो या बाबू पुल कर, दोनों टफ है। लेकिन 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 अगर इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, ट्रॉली बैग देखे हो ना बाबू, ट्रॉली बैग देखे हो ना, तो ट्रॉली बैग को खींचना ढकेलना दोनों आसान है। क्यों सर? क्योंकि बाबू वो क्या रहता है वहां पे बाबू, देखो यहाँ जो सरफेस है बाबू, देखो समझने की कोशिश, यहाँ बाबू जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो ट्रंक है बाबू, और जो आपका जमीन वाला सरफेस है, जो जमीन का सरफेस है बाबू, यहाँ जमीन का सरफेस कॉन्टेक्ट, क्या एक लार्ज एरिया कवर कर रहा है, लार्ज एरिया कवर कर रहा है बाबू। लेकिन इसी ट्रंक को थोड़ा सा क्या करो शैतान, उठा दो, थोड़ा सा बाबू उठा दो, तिरछा कर दो, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, सरफेस हो जाएगा, ऐसे सरफेस हो जाएगा। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा इतना ही सुन एरिया में लगेगा ना बाबू, यही इतना ही सुन एरिया में लगेगा ना। अरे शैतान इंक खत्म हो गया क्या? ठीक है, अब ट्रंक को हमने क्या किया बाबू, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, है ना। पहले ऐसे था, तो इसको ढकेलना भी मेरे लिए टफ था सर, और पुश करना और पुल करना दोनों टफ था। लेकिन इसको थोड़ा सा क्या किया बाबू, उठा दिए, तो अब सरफेस एरिया इतना ही लगेगा। तो इस केस में बाबू आपका ढकेलना भी आसान है और खींचना भी आसान। अब इसको ढकेलोगे बाबू आराम से ढकला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन घट गया। इसको जैसे उठा दिए बाबू, इसको क्या किया, इसको बाबू पहले ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे कर दिए, तो ऐसे कर देते अब फ्रिक्शन यही ना सरफेस कॉन्टेक्ट में, बाकी तो हवा में बाबू, हवा का फ्रिक्शन बहुत कम होता है, फ्रिक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है ना। तो यहाँ बाबू इतना ही सुन कॉन्टेक्ट में है, तो इसके लिए बाबू सर इसको ढकेलना भी आसान है सर, और खींचना भी आसान है, दोनों केस में आसान है। समझा शिवम? तो ट्रॉली मेरा यही प्रिंसिपल पे निर्भर करता है बाबू। एक ट्रॉली बैग देखो ना आप लोग, ट्रॉली देखते हो बाबू, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हैंडल रहता है, यहाँ पे हैंडल रहता है, और इसको पकड़ के क्या मार्केट उड़कर जाओ, तो यहाँ पे भील रहते हैं, ट्रॉली में यहाँ भील रहते हैं, है ना बाबू। ठीक है, यही भील हटा दो, इसको यहाँ पे सटा दो बाबू, जमीन पे रख दो, फिर खींचो, देखो कितना टफ हो जाएगा। तो ये सब बाबू ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन को कम किया जाता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। समझा शिवम कि नहीं समझा बाबू? यस। कुछ दिक्कत है शिवम? दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। प्रकाश सिंह खाली रामायण सुनते बाबू, होमवर्क क्यों नहीं बनाए? इसके पापा को कितना आप लोग को कह रहे हैं बाबू, समझ में नहीं आता, होमवर्क बना के क्यों नहीं लाए बाबू, ऑब्जेक्टिव वाला क्या दिए थे सर? हलल हे प्रभु, हमारे ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी है, क्या दिए थे, कहा है बाबू इतना मैंने केयरलेस कैसे हो प्रकाश सिंह, होमवर्क नहीं कल बोले थे बाबू, ग्रुप में तो मैसेज डाले थे, सौम्या बना लिया, आनंद बना लिया, आनंद भी कम ही बनाया, नहीं बनाया। नेक्स्ट बाबू, अब फ्रिक्शन तो हुआ सर, तो इसका कारण क्या क्या बाबू? ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है बहुत थियोरेटिकल टाइप का, है ना बहुत थ्योरी है ना, बाकी डिटेल्स बाबू 12 में फ्रिक्शन और अच्छे से पढ़ना होता है ना, वहां मिरेकल आता है। तो हम लोग बाबू 10 में फ्रिक्शन नहीं पढ़ना है, 8 में थोड़ा सा दिया बाबू, तो उसी से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे, है ना। तो नेक्स्ट बाबू देंगे फ्रिक्शन का कारण क्या बाबू, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट जो हाँ बाबू नहीं सर कुछ नहीं, नेक्स्ट बाबू कॉज ऑफ फ्रिक्शन बाबू, फ्रिक्शन का कारण क्या सर, कारण क्या सर, फ्रिक्शन का क्या क्या कारण है सर, है ना। तो दो तीन गो कारण बाबू, फ्रिक्शन का क्या बाबू, दो तीन गो कारण है क्या बाबू, दो तीन गो कारण है ना। ठीक है, पहला कारण क्या है सर, पहला कारण क्या बाबू, सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है बाबू, सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है या रफ सरफेस होता है ना। तो इसको लिखाते बाबू, है ना, इसको लिखाते हैं ना, कॉज ऑफ फ्रिक्शन बाबू लिखे बाबू। ठीक है, फर्स्ट जो कॉज है बाबू फ्रिक्शन का क्या कारण है सर, फिर फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे सर, है ना, फिर कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं सर, सब बताएंगे, है ना बाबू। फ्रिक्शन अकर्ष बाबू ड्यू टू बाबू सरफेस फ्रिक्शन अकर्ष बाबू। समझ में आता है प्रखर? इरेगुलरिटीज
ये प्रकार फ्रिक्शन का फ्लो ड्यू टू आवर सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द ये प्रकार ये बोलती नहीं है क्या करें लिखे लिखे बाबू पहला कारण ये इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे पहला कारण ये है बाबू तो पहले तीनों कारण लिखा देते हैं सर उसके बाद इसको बारी बारी क्या कर देंगे बाबू एक्सप्लेन कर देंगे है ना बाबू। सेकेंड जो कॉज होता है बाबू एडहेशन फोर्स होता है आगे बताएंगे बाबू एडहेशन फोर्स होता है बाबू सेकेंड जो कारण होता है बाबू एडहेशन फोर्स होता है बिटवीन बाबू सरफेस इन कॉन्टैक्ट थर्ड होता है बाबू फ्लोइंग इफेक्ट होता है सारे बताएंगे कुछ ना छोड़ेंगे फ्लोइंग इफेक्ट ऐसी वाणी वीडियो क्यों बंद कर लेते ये तो एकदम बहुत स्टूडेंट एकदम शैतान हो गई याद कर एकदम बार बार कितना कहें बाबू उधर कहें कि आपको पढ़ाने के हमको तो समझ में नहीं आता इसका भी आजकल ये चलने लगा ना एक में रेड एक में ग्रीन यही होता होगा सर थ्री नंबर में फ्लो लिखना है कि फ्लो लिखना है पी है बाबू पी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फ्लोइंग इफेक्ट बताएंगे बताएंगे बाबू सब बताएंगे कुछ होने लिखे छोड़ेंगे सर थर्ड नंबर में और लिखाना है या बस उतना ही नहीं बाबू ये तीन वो कारण है आपको तीन वो कारण फ्रिक्शन का तीन वो कारण पढ़ना पहला क्या था सरफेस तीसरा कारण दो ही शब्द है सर और नहीं लिखना है तीसरा में नहीं 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 यही तीन तीन काउज है बाबू तीन काउज है तो पहला क्या सर सरफेस इरेगुलरिटीज मतलब बाबू रफ सरफेस कैसा होता है रफ होता है ठीक है बाबू पहला एक्सप्लेन करते हैं बाबू फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं फिर उसके बाद इसको एडहेसिव होता है एडहेसिव फोर्स होता है इसमें बाबू थोड़ा सा और एक कंसेप्ट आ जाए कोहिशन एडहेसन का है ना तो दोनों बता देंगे ऐसे कोहिशन का हमको बाबू ये फ्रिक्शन से मतलब नहीं है फ्रिक्शन से मतलब नहीं लेकिन थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पहला क्या कारण है सर सरफेस इरेगुलरिटीज है ना फ्रिक्शन किसके कारण होता है इरेगुलर सरफेस मतलब सरफेस कैसा सर इरेगुलर इरेगुलर मतलब क्या कर सकते सर रफ कर सकते हैं रफ सरफेस कर सकते हैं तो फर्स्ट है बाबू फर्स्ट जो है सर सरफेस कैसा है बाबू इरेगुलर है इरेगुलर ठीक है या बाबू क्या है राफ है इरेगुलर का हम लोग राफ भी कह सकते हैं ठीक ठीक बाबू देखो इसमें क्या वो सरफेस इरेगुलर क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं है शैतान कुछ नहीं है खाली डरा दिया गया फ्रिक्शन बार बार बोल थियोरेटिकल कंसेप्ट है थ्योरी है इसमें बाबू थ्योरी ज्यादा है जैसे लाइट था इलेक्ट्रिसिटी था तो उसमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट था इसमें बाबू थियोरेटिकल है जैसे क्या सर मान लो बाबू आपके पास क्या एक टेबल हो गया बाबू ऊपर लिखाएंगे पहले समझ लो ठीक है सर ये टेबल हो गया है ना बाबू कि नहीं यहाँ पे बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ कोई बुक ले लो हाँ सेतन बोलो ना सर हम लोग भी ऐसे नीचे करके बनाते हैं अभी ये वाला ड्राइंग हाँ बाबू तो बनाओगे नहीं तो बाबू तो अच्छा कैसे लगेगा आप लोग अभी बाबू बढ़िया से बनाओगे तब ना बाबू आपका नाम होगा यहाँ पे बाबू मान लो कोई क्या रखा हुआ सर कॉपी किताब बुक रखा हुआ है ना रख दिए सर है ना बाबू अब ये बाबू टेबल का सरफेस हो गया बुक का सरफेस हो गया तो इसको जैसे मोशन करोगा वो तो क्या थोड़ा दूर आगे जाके क्या होगा रुक जाएगा तो यहाँ पे बाबू जब माइक्रोस्कोप से बाबू ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से बाबू जब ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे बाबू जो ये यहाँ पे बाबू ये जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है कौन से सर बुक का सरफेस बाबू बुक का सरफेस ये बुक वाला सरफेस हो गया बाबू है ना ये क्या हो गया शैतान बुक का सरफेस हो गया कि ना ये मान लो बाबू बुक आपका यहाँ पे रखा हुआ है कोई बुक रखा हुआ है ना ठीक है सर ठीक
तो यहाँ पे जब बाबू ऑब्जर्व करोगे ये क्या होगा, टेबल का सर्फेस, बुक का सर्फेस बाबू। तो यहाँ से शैतान जब इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से देखोगे बाबू, माइक्रोस्कोप से देखोगे इसको, तो क्या यहाँ का जो सर्फेस कई तरह दिखाई देगा, अप डाउन मैंने सर्फेस कैसा दिखाई देगा बाबू, सर्फेस कैसा दिखाई दे देगा यहाँ से बाबू, अगर इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो बाबू, तो ये जो सर्फेस रहेगा नीचे वाला सर्फेस किसका हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, मैंने स्मूथ नहीं रहता, स्मूथ नहीं रहता बाबू, स्मूथ नहीं रहता, थोड़ा नजदीक नजदीक बना लो, इस तरह से बाबू क्या रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो नीचे वाला टेबल सर्फेस हो गया, शांति से समझिए बाबू, टेबल पे रखा हुआ ना, तो टेबल का सर्फेस हो जाएगा बाबू, है ना। और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो यहाँ जो कॉन्टेक्ट में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह कुछ भी हो सकता है, शैतान कॉपी बुक कुछ भी ले लो, है ना। तो ये नीचे वाला किसका सर्फेस है, नीचे वाला किसका सर्फेस है, टेबल वाला बाबू, ये नीचे मान लो टेबल हो गया, और ऊपर क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ऊपर क्या बाबू, ऑब्जेक्ट है, है ना, ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, टेबल वाला है बाबू, इसको रेड बना देते हैं, यहाँ टेबल वाला रेड है ना, तो यहाँ रेड कर देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे सर दिक्कत हो, ठीक है। और ऊपर वाला कैसा बाबू, ग्रीन कर लेते, ऊपर वाला क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते। तो यहाँ पे यही जो सर्फेस होता है बाबू, यही जो सर्फेस होता है बाबू, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलॉक हो जाते। अरे शैतान देखो ना, ये उंगली बाबू है ना, ये उंगली तो अभी बाबू मान लो ऐसे रखा हुआ, ऐसे है ना बाबू, ऐसे है, ठीक है। अब इसी में बाबू, इसमें क्या है, देखो उंगली में क्या बाबू, ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे हैं, और इसमें बाबू ये उंगली, तो ये ऐसे जाके क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा, है ना बाबू। अब मोशन में क्या करेगा, परेशानी करेगा, मोशन में क्या करेगा, परेशानी करेगा। तो यही फेनोमिनन यहाँ भी होता है, इस टेबल का गड्ढे है, माइक्रोस्कोप पे देखो, माइक्रोस्कोप से देखो तो टेबल का गड्ढे है, और ऑब्जेक्ट में जो छोटे छोटे गड्ढे रहेंगे, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, है ना बाबू, नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो दिखाई देगा, है ना। तो यही क्या होता है बाबू, इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे इंटरलॉक हो गए बाबू, ठीक है ना, इंटरलॉक है तो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, अब कहेगा आगे नहीं बढ़े, है ना बाबू, आगे नहीं बढ़े, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो यही मेरा क्या होगा बाबू, यही ये हो, इसी को क्या कहेंगे, इररेगुलर सर्फेस कहेंगे। कैसे कहेंगे, इररेगुलर सर्फेस कहेंगे बाबू, या क्या कहेंगे, रफ सर्फेस कहेंगे। ये जो सर्फेस आपको दिखाई दे रहा है शैतान, कहाँ लिखेंगे शैतान, इधर कर देते हैं, ये है बाबू, ये कैसा सर्फेस है सर, रफ सर्फेस हो गया, है ना, रफ सर्फेस हो गया दोनों को बाबू, सर दोनों क्या, हाँ बाबू सर, वाला ड्राइंग भी बनाएंगे, हाँ शैतान बनाना बाबू, तब ना समझ में आएगा। ये बाबू थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर दो, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दो बाबू, ये जूम किए हैं, क्या किए शैतान, जूम किए हैं, मोबाइल को कैसे जूम करते हो, तो इतना सुन पोर्शन को क्या किए, जूम किए, तो इतना बड़ा बनाया सर। बताइए तो कैसे बना है टेबल, ऊपर में टेबल से धन कुछ निकालना, देखो टेबल कैसे ड्रा करोगे, देखो शिवम टेबल कैसे ड्रा करोगे बाबू, हो जाएगा ड्रा सर, एक लाइन ऐसे लो, ठीक सर, एक वो ऐसे कुछ नहीं बाबू, ऐसे हो गया सर, है ना, यहाँ तक ठीक है बाबू। यहाँ से ऐसे ड्रा करो, एक वो ऐसे तिरछा लो, अभी जितना तिरछा लोगे वहां से ऐसे तिरछा एक ले लो, ठीक है, यहाँ तक करो, और उसका इसको मिला दो, ये दोनों लाइन को मिला दो, इसका एक पाव इधर बना दो, इसका एक पाव इधर बना दो, तो आपका टेबल बन गया, समझे बाबू, हाँ सर बना लिया, हाँ बाबू। तो ऐसे तो करना, बच्चा वाला तो चीज है बाबू, ठीक है, इसमें थोड़ा लिटरेचर लिखा देते शैतान। कई बजे जाना है शिवम, ये शिवम बाबू, ऑल सरफेस बाबू, ऑल सरफेस बाबू, भेन जूम, ऑल सरफेस बाबू, भेन जूम बाबू, जूम्ड इनटू बाबू, इनटू ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। कितना बजे जाना है शिवम सर, आपको टाइम नहीं पता, ऑल सर्फेस बाबू, बहन बाबू, जूम इनटू बाबू, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करते हो तो उसमें क्या रहता है बाबू, क्या रहता है, हिल्स एंड वैली रहते हैं बाबू, है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हिल्स कहेंगे बाबू, और जो गड्ढे होंगे बाबू उसको क्या कहेंगे, वैली कहेंगे, हिल्स एंड बाबू वैली, दैट इंटरलॉक बाबू, इंटरलॉक वेन दे मूव बाबू,
और रब दैट बाबू द इंटरलॉक बाबू धन बाबू दे मूव और बाबू रब ऑन टॉप ऑफ ईच अदर रब बाबू ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लिखिए शैतान इंटरलॉक के बाद इंटरलॉक बाबू भेन है बाबू भेन भेन भे हो गया बाबू भेन बाबू भेन देम बाबू मूव आया बाबू रैप आर यू बी मूव करो चाहे उस पर बाबू घिस घर्षण करो और लिखवाएंगे इसको खत्म कर देते बाबू ये वाला पहला वाला जो केस है इसको खत्म दो लाइन और है बाबू इसमें ठीक है आप लोग इसको बनाओ टेबल बनाओ बाबू थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं पूरा नहीं इरेज करेंगे थोड़ा सा इरेज करेंगे थोड़ा लेगा आप लोग लंबा ही देना अब रफ सरफेस होता क्या चीज बाबू क्या होता है रफ सरफेस बाबू द The uneven, evenness बाबू सर डेफिनेशन का नीचे लिख ले टेबल के नीचे इसको लिखे बाबू टेबल के नीचे लिखे द अनइवननेस ऑफ द सरफेस बाबू is called as irregular surface irregular surface babu aur babu isi ko kya kahoge rough surface kahoge irregular kahoge chahe rough kahoge dono both are babu same hai rough surface shivam gaya ho gaya tha sir तो आप लोग 5:25 इसमें क्यों नहीं आते हो शैतान काय लेट करते हो मैं तो आ गया था सर अरे आप आ जाते सर मैं तो 5:20 से आया हां बाबू ये नहीं आता है शिवांगी नहीं आती है वही प्रखर नहीं आती है ठीक है सर बाय सर अब होमवर्क बाबू जो दिए था ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया बाबू कब बनेगा सर मेरा बन गया था अब बढ़िया से डायग्राम बनाना है सुंदर सा डायग्राम बनाना जैसे तैसे नहीं बना के छोड़ देना सर आधा बन गया आधा आज बना लूंगी ठीक है बाबा जो नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा बता देंगे डाउट है ना बाबू कल इसको बाबू थोड़ा सा इसमें एक लाइन और रह गया इसको लिखाएंगे बाबू बाकी दो को कारण बताएंगे बाबू तो क्या हो गया कॉज ऑफ फ्रिक्शन बाबू फिर फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करोगे फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाबू ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है बाबू फ्रिक्शन छोटा सा टॉपिक है ना ज्यादा टाइम लंबा टॉपिक नहीं है करेंट और लाइट की तरह नहीं है बाबू आना बाबू दो तीन गो चैप्टर जो है बाबू जैसे हो गया आपका क्या हो गया करेंट हो गया लाइट हो गया भाई इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना बाबू और लाइट हो गया और अलजेब्रा हो गया ये सब बाबू बहुत लंबा टॉपिक हो जाते हैं वेक्टर लंबा चैप्टर नहीं है नहीं बाबू इधर उतना ज्यादा अच्छी नहीं है ना क्योंकि हम वो पढ़ा रहे हैं बाबू जो आपको टेंथ के बोर्ड में बाबू आप लोग टेंथ दोगे तो वहाँ टॉप करवाना है तो टेंथ में वेक्टर नहीं पढ़ना जो 8-9 तक है बाबू उसी को कवर करना तो 9-10 में वेक्टर का ज्यादा उतना बड़ा कंसेप्ट है चैप्टर ही नहीं वेक्टर 9-10 में तो लेकिन पढ़ा देंगे थोड़ा आता है उसमें डायरेक्शन आता है सर वेक्टर क्वांटिटी होता है ना बाबू फोर्स हो गया एक्सीलरेशन हो गया सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो सब बताएंगे धीरे धीरे चलिए ठीक है बाबू ठीक है सर बाय सर थैंक यू बाय बाय बाबू गुड बाय बाबू ठीक है हैव अ नाइस डे बाय